झीरम घाटी में हुए हत्याकांड को 10 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी इस घटना को लेकर कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। आइए आपको बताते हैं 25 मई 2013 को क्या हुआ था और झीरम घाटी आखिर क्या है। कांग्रेस नेताओं का काफिला सुकमा से परिवर्तन यात्रा की सभा कर वापस लौट रहा था। अगले 10 मिनट में क्या होने वाला था किसी को भी पता नहीं था। 3:40 पर काफिला झीरम घाटी पहुंचा। अंधे मोड़ पर नक्सली घात लगाकर बैठे हैं, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। काफिले के घाटी में पहुंचने से पहले ही रास्ता बंद कर दिया गया था। आगे एक ट्रॉला चल रहा था, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और ट्रॉला किसी पत्ते की तरह हवा में उछला और उसने पूरा रास्ता बंद कर दिया। इसके बाद तो जैसे गोलियों की बौछार शुरू हो गई। 25 मई 2013 की शाम माओवादियों ने झीरम घाटी में जब बड़े हमले को अंजाम दिया, उसके बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति की दशा और दिशा ही बदल गई। एक साथ एक ही हमले में 32 लोगों को हलाक कर दिया गया। कांग्रेस की पूरी फ्रंटलाइन ही खत्म हो गई। एक तरह से कहा जाए तो देश का एहसास हिल गया था। कुल मिलाकर अगर कहें तो पहली बार नक्सलियों ने किसी राजनीतिक दल पर इतना बड़ा हमला किया था। आज स्थिति क्या है, एक बार फिर हम जानने के लिए झीरम घाटी पहुंचे हैं। माओवादियों ने 25 मई 2013 की शाम झीरम घाटी में जो कत्लोगारत मचाई, उसका शोर अब भी झीरम के जंगलों में गूंज रहा है। 10 साल बाद भी पत्तियों की सरसराहट सिहरन पैदा कर देती है। हालांकि अब इस पूरे इलाके में माओवादियों का वैसा खौफ नहीं रहा है जैसा कुछ साल पहले हुआ करता था, लेकिन एहसास आज भी जिंदा है। इस बात से अंदाजा लगता है कि उस समय मौके का मंजर कैसा रहा होगा। झीरम घाटी नरसंहार की विभीषिका को अपनी आंखों से देखने वाले और पूरे मंजर को भोगने वाले कांग्रेस के सीनियर लीडर मलकीत सिंह गैदू आज हमारे साथ हैं। जान किसी तरह उनकी बच गई थी। हम आज उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो पूरा मंजर कैसा था जो कत्लोगारद मची थी, उस बीच में उनका अनुभव क्या था। आज 10 साल बाद आप एक बार फिर से झीरम घाटी में आकर खड़े हैं, वही स्पॉट है, थोड़े से अनुभव हमारे से शेयर करें। 25 मई 2013 की घटना है और सुकमा में हमारे परिवर्तन यात्रा की सभा थी। उस सभा को हम लोगों ने अटेंड करके हमारे महंतकर्मा जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष तत्कालीन हमारे नंद कुमार पटेल जी, विद्याचरण शुक्ल जी, उदय मुदलियार जी और तमाम नेता, हमारे फूलोदेवी नेता जी, हम तमाम नेता जो हमारा काफिला सुकमा से निकल के जो है 4:15 बजे करीब जो है काफिला ये 2 टर्निंग पहले ही पहुंचा था। और जिस प्रकार से हमारी गाड़ी में फायरिंग हुई, कांच तोड़ते हुए गाड़ी में गोली निकली और तड़ की जो है फायरिंग की आवाज़ आना चालू हुई, तो कर्मा जी ने तुरंत कहा कि नक्सली ने अटैक कर दिया, मलकित गाड़ी भगाओ। तो मैं गाड़ी चला रहा था और कर्मा जी मेरे बाजू में बैठे थे और मैंने जो है गाड़ी को जिस प्रकार से भी कंट्रोल किया, वो स्थिति आप समझ सकते हो कि वो कैसी स्थिति रही होगी। तो मैंने गाड़ी कंट्रोल किया और गाड़ी को मैंने वहां से भगाया और चलती फायरिंग कंटिन्यू चल रही थी गाड़ियों में और जो काफिले में चल रही थी। यहां आने के बाद आगे जब देखा कि विस्फोट से गाड़ी उड़ी हुई है और सामने एक ट्रक आड़ा खड़ा हुआ, तो जिस प्रकार से जो सामने काफिले में जैसे गाड़ी थी, गाड़ियां इस एम्बूश में फंस गई। इस एम्बूश में फंसने के बाद जैसे ही हमारी गाड़ी एक दूसरे से टकराई और मेरी गाड़ी भी पीछे से डैश मार के जो गाड़ी रुकी, तो कर्मा जी बोले कूद जाओ, गाड़ी से कूद जाओ और नीचे लेट जाओ। ये बताए गोली जो चलने का सिलसिला, बम फेंकने का, ये तकरीबन कितनी देर चला? तकरीबन 1 से 1.25 घंटा चला है। उसके बाद पास आना चालू होने के बाद जो है महंतकर्मा जी खड़े हुए और महंतकर्मा जी कहा कि मैं महंतकर्मा हूँ, मैं सरेंडर करता हूँ, गोली चलाना बंद करो, मेरे लोगों को मारना बंद करो। नक्सलियों ने सबसे बुरा हश्र महेंद्र कर्मा का किया, जो दूसरों को बचाने के लिए खुद ही नक्सलियों के सामने आ गए। लेकिन नक्सलियों ने बस्तर के शेर को गोलियों से भून दिया और तब तक उन पर चाकुओं से वार करते रहे जब तक शहीद कर्मा का शरीर निश्चेत नहीं हो गया। इसके बाद नक्सलियों ने लाश के सामने ही जश्न मनाया। इस घटना को मलकीत सिंह गैदू आज भी नहीं भूल पाए। सीनियर लीडर्स थे, उनकी हत्याएं आप लोगों की आंखों के सामने? हाँ, कर्मा जी के हमारे सामने तो नहीं हुई क्योंकि हम लोग थोड़ा तीसरे बार में सरेंडर किया, हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया गया, जैसे हमारा ड्राइवर बताता है कि उसे आइडेंटिफाई किया गया
कि भैया महंत कर्मा जी, गोंडी में बातचीत की, कर्मा जी ने बोला कि हाँ मैं महंत कर्मा हूँ, तब उन्हें गोली मार दी गई। 10 साल पुराना जो घटनाक्रम है वो आज भी उसके घाव जो है वो हरे हैं और न्याय नहीं मिला। जो घटना के पीछे के जो कल्प्रिट थे उनका नाम सामने नहीं आया, ये उस घाव को कुरेदने जैसा है। 20 मिनट तक लगातार गोलियां चलती रही, नक्सली एक एक कर सभी को भूनते रहे। जिन नेताओं को जेड सुरक्षा मिली थी उन सुरक्षा कर्मियों ने जरूर नक्सलियों का मुकाबला किया, मगर ज्यादा देर तक नहीं। हमले में कई नेता उसी समय गोली लगने से मौत के आगोश में समा गए और सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए। झीरम घटना की विभीषिका कैसी रही होगी, इस बात का अंदाजा यहाँ पहुंचकर लगता है। 2014 में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने यह घोषणा कर दी थी कि झीरम घाटी में शहीदों का एक स्मारक बनाया जाएगा। पूरे 5 साल बीतने के बाद 2019 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, उसके 2 साल के बाद 2021 में झीरम घाटी में शहीदों का यह स्मारक बनकर तैयार हुआ। कुल मिलाकर अगर कहें तो आज भी इस इलाके में माओवादियों की वो जो विद्रूप रूप है वो स्पष्ट तौर पर देखने को मिलता है, और यही वजह है कि सरकारें अपना कमिटमेंट पूरा करने में अच्छा खासा समय ले रही हैं। इस नरसंहार के बाद नक्सलियों का तांडव नहीं रुका। नक्सलियों ने कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश पटेल सहित विधायक कवासी लखमा को भी पकड़ लिया और झीरम की ऊपरी पहाड़ी पर ले गए, जहां नक्सली कमांडर ने नंद कुमार पटेल से बात की और बाद में वॉकी टॉकी से मिले निर्देश के बाद विधायक नंद कुमार पटेल के ड्राइवर को छोड़ दिया और नंद कुमार पटेल समेत उनके बेटे को नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया। जिसमें गोपीनाथ माधवानी को पहली गोली लगी, उसके बाद मुझे गोली लगी, लेकिन लगा आते आते हम लोग गाड़ी लेकिन निकाले, जैसे तैसे भी गाड़ी को लेके आए। टीएस बाबा ने मेरा उस समय हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करवाई उन्होंने और मुझे रायपुर रामकृष्ण हॉस्पिटल ले जाएगा। रामकृष्ण पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि पीछे में बहुत बड़ा और हादसा हो गया है जिसमें हमारे बहुत सारे प्रमुख लीडर हैं, उनकी हत्या हो गई। हमले में कांग्रेस के फ्रंट लाइन नेताओं की हत्या हुई थी। बस्तर की राजनीति में अच्छा खासा रसूख रखने वाले महेंद्र कर्मा के अनुयायी और उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानने वाले लोग आज भी उन्हें याद कर फफक कर रो पड़ते हैं। झीरम कांड में जो जो शहीद हुए थे उनका परिवार आज भी न्याय ढूंढ रहा है। उनका परिवार आज भी चाहता है कि जो उस हत्याकांड में शामिल थे, चाहे नक्सली हो चाहे राजनेता, उस झीरम कांड का सच सबके सामने आना चाहिए। बस्तर ने अपना बेटा खोया था। छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नंद कुमार पटेल जी, विद्याचरण शुक्ल जी ने भी यहाँ पर अपनी शहादत दी थी। हमने तो पिता खोया है। मुझे राजनीतिक में लाने वाले और मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाले कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँची। यहाँ शहीद भी हुए हैं तो ऊपर से भी उनका आशीर्वाद है। बस्तर के जनता के लिए न्याय दिलाए ताकि हम भी जो दोषी आज खुलेआम घूम रहे हैं आज उनको सजा मिले। देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल पर हुए हमले में नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार सहित सुरक्षा बल के जवानों को मिलाकर कुल 32 लोगों की जान गई थी। इसके बाद शुरू हुई आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच सच्चाई यही है कि अब भी पीड़ितों को झीरम के सच के बाहर आने का इंतजार है। 2014 में झीरम के शहीदों का स्मारक घाटी में बनवाने की घोषणा कर चुकी कांग्रेस को भी शहीदों का स्मारक तैयार करने में 7 साल का लंबा वक्त लग गया। कुल मिलाकर अगर कहें तो झीरम के जख्म 10 साल बाद भी हरे दिखाई दे रहे हैं। झीरम के नरसंहार के बाद 4 साल तक चली एनआईए की जांच और 10 सालों से चल रही न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट के बावजूद सरकार या एजेंसियां यह बता पाने में अक्षम है कि यह वह चेहरा है जो झीरम घाटी नरसंहार का दोषी है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो 10 सालों में कुछ भी नहीं बदला। यही वजह है कि कांग्रेसी आज भी इसे टीस मानकर चलते हैं। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज, झीरम घाटी।